नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों हम बात करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की बात करेंगे। आज अभी जो है 3:30 बजे बाज़ार बंद हो गया। जैसा मैंने प्रिडिक्शन दिया था, आप सभी ने देखा होगा, निफ्टी में जो है तेज़ी का सिग्नल मैंने दिया था, वो भी प्योर जो है ज्योतिष से। तो आपने देखा कि निफ्टी में जो है भयंकर तेज़ी रही। बैंक निफ्टी का मैंने ट्रेंड दिया था कि बैंक निफ्टी में तेज़ी रहेगी। बैंक निफ्टी में भी आपने देखा कि बड़ी तेज़ी जो है वो बनी रही। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों मैंने आप सबको वीकली ट्रेंड दिया था। वीकली ट्रेंड का मेरा जो है कल या परसों में वीडियो आ जाएगा कि नेक्स्ट वीक का मार्केट का ट्रेंड जो है वो क्या रहेगा। लेकिन कुछ हमारे साथी हैं जो यूट्यूब को देखकर जो है हमसे रिक्वेस्ट किए कि आप जो है एक ओवरव्यू जो है वो मंथली दे दीजिए कि मंथली ओवरव्यू क्या रहेगा, मीन्स जून के महीने में निफ्टी में क्या रहेगा, तेज़ी रहेगी कि मंदी रहेगी, कि बैंक निफ्टी में तेज़ी रहेगी कि मंदी रहेगी। ऐसा दोस्तों मैंने आप सबको से वादा किया है कि अभी मैं कुछ समय तक जो है वीकली प्रेडिक्शन भी दिया करूँगा। इसलिए जो है 1 जून से जो है 5 जून तक का जो वीकली प्रेडिक्शन है वो कल या परसों में जो है वो मेरा वीडियो आ जाएगा। अभी उस पर रिसर्च चालू है। लास्ट का तो वीडियो आपने देखा जो है, ऐसा नहीं है कि मैं हर समय सही होता हूँ, लेकिन इस समय जो है कैलकुलेशन जो है मेरा वो जो है 85-95% के बीच में मेरा कैलकुलेशन जो है वो सही जो है वो जाता है। तो सब उसमें भगवान की कृपा है। और ये मेरा जो है 15 साल का जो रिसर्च है वो है। और हमारे जो गुरु जी हैं श्री देवेंद्र चतुर्वेदी जी, जो अर्घ मातंड के जो है एक तरह से जनक कहे जाते हैं, वो हमारे गुरु का आशीर्वाद है। तो दोस्तों जो है हम आज जो है बात करेंगे कि ओवरऑल जो है वो जून का महीना जो है शेयर बाज़ार के लिए कैसे रहेगा। ओवरऑल जून हम देखेंगे दोस्तों। एक मंथली प्रेडिक्शन में दोस्तों दो तरह का प्रेडिक्शन होता है। एक मेरा मंथली प्रेडिक्शन आप देखे होंगे कि वो 14 मई से 14 जून का प्रेडिक्शन है, मीन्स संक्रांति से संक्रांति तक का मेरा फलादेश है। संक्रांति से संक्रांति तक का फलादेश दोस्तों जो है वो हमारा जो है वो एक जो है मंथली प्रेडिक्शन है, लेकिन वो 15 करीब रहता है। वो जैसे 14 मई से 14 जून या कभी संक्रांति 15 तारीख को रहेगी तो वो 15 से 15 जो है। तो ये मैंने जो दोस्तों प्रेडिक्शन दिया हूँ वो मेरा जो है प्रेडिक्शन वो 14 मई से 14 जून का प्रेडिक्शन है। उसके लास्ट महीने का भी मैंने प्रेडिक्शन दिया था जो 14 अप्रैल से 14 मई का प्रेडिक्शन था, वो भी मंथली प्रेडिक्शन मेरा जो है वो 100% सही गया था। आप सब देख सकते हैं जो संक्रांति का प्रेडिक्शन था। अभी दोस्तों जो मैंने ये प्रेडिक्शन दिया हूँ 14 मई से 14 जून तक का, वो भी ओवरऑल ट्रेंड जो है मैंने निफ्टी का तेज़ी का दिया था, जो कि अभी तक का ट्रेंड जो है वो तेज़ी का है। ऐसा नहीं कि ट्रेंड दोस्तों मैंने तेज़ी का दिया तो पूरा महीना तेज़ी रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो है वो ट्रेंड जो है वो तेज़ी का रहेगा। दूसरा चीज़ दोस्तों, मेरा जो प्रेडिक्शन रहता है, मेरा प्रेडिक्शन प्योर जो है वो एस्ट्रोलॉजी बेस है, कोई उसमें टेक्निकल नहीं है। अब मेरा जो आपका जो है ख़रीदने और बेचने का जो हमारा सिग्नल रहता है वो मैं जिस दिन से आपको दूंगा जो है वो हमारा ओपन प्राइस रहता है और आखिरी का मेरा क्लोज प्राइस रहता है। जैसे मेरा ये वीकली जो प्रेडिक्शन रहता है, तो वीकली प्रेडिक्शन में मंडे की ओपनिंग से फ्राइडे की क्लोजिंग, उसमें यदि मंडे का जैसे मैंने ट्रेंड आपको दिया कि मंडे को मार्केट का ट्रेंड जो है वो तेज़ी में है, तो मंडे का ओपनिंग से आपको लेना है। मैंने मंडे से ओपनिंग के नीचे जब मार्केट जाए तो आप बाई करेंगे, तो आपको मंडे के ओपनिंग के ऊपर मार्केट को जाना ही जाना है एक बार। तो जितना नीचे जाएगा आपको ख़रीदने का मौका जो है वो मिलेगा, उसके बाद जो है जब ओपनिंग के ऊपर चलने लगे तब आप जो है बीच में कभी भी निकल सकते हैं। तो ये मेरा दोस्तों जो है ओवरऑल का जो मेरा रूल है। अब क्लोजिंग जो है वो फ्राइडे की, जैसे ये वीक का जो मैंने दिया था मंडे की ओपनिंग से आप देख सकते हैं फ्राइडे की क्लोजिंग, तो ऐसा मेरा रहता है दोस्तों। इसमें कोई भी टेक्निकल नहीं रहता है, प्योर ज्योतिष रहता है और ग्रहों के ऊपर जो है इसका फलादेश किया जाता है।
तो अब दोस्तों जो है हम देखेंगे वो मेरा 14 जून का वीडियो मेरा आएगा संक्रांति का, जो है जब सूर्यदेव जो है वो मिथुन राशि में जाएंगे तो संक्रांति का फलादेश मेरा वो अलग वीडियो आएगा जो कि वो 14 जून से 14 जुलाई तक का रहेगा। लेकिन अभी दोस्तों ये 1 जून से फलादेश है, ये 1 जून 2020 से लेकर जो है 30 जून 2020 तक का जो है निफ्टी का ट्रेंड क्या रहेगा, बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या रहेगा वो हम अपने बात करेंगे दोस्तों, जो है कि उसमें जो है ओवरऑल, क्योंकि मार्केट में र्यूमर बहुत है जो है कि बाज़ार जो है जून में बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाला है, तो क्या ऐसा हो सकता है वो अपने देखेंगे। तो दोस्तों ये जो मेरा रूल है जो जून का आपको देखना रहेगा, तो जून को दोस्तों 1 जून का आपको ओपनिंग का प्राइस को लिख के रखना है, ठीक है दोस्तों। 1 जून का आप जो है मेरा ओपनिंग का प्राइस जो है लिख के रखेंगे और उसके बाद जो है दोस्तों उसके ऊपर का जब भी जो है वो ट्रेंड जो है वो बनेगा तो आप उसमें जो है देख सकते हैं। तो हम अपने जो है प्लानेटरी पोजीशन देखेंगे दोस्तों कि 1 जून को प्लानेटरी पोजीशन क्या है, वो योग जो है पूरा जून का क्या बना रहा है दोस्तों, ये हम अपने जो है वो देख ले रहे हैं। तो दोस्तों उस समय जो है 1 जून को दोस्तों जब बाज़ार के लिए अपने देखेंगे पूरे महीने के लिए, तो पूरे महीने के लिए दोस्तों देखने के लिए हम जो है ये देखेंगे कि 1 जून को सूर्यदेव जो है वो वृषभ राशि में है, सूर्यदेव जो है वो वृषभ राशि में 16 डिग्री 57 कला पर सूर्यदेव जो है वो रहेंगे और वृषभ राशि में 16 डिग्री 57 कला पर रहेंगे और वो मिथुन नवमांश में रहेंगे, वृषभ राशि और मिथुन नवमांश में रहेंगे और चंद्रमा दोस्तों कन्या राशि में 11 डिग्री 53 कला पर रहेंगे और चंद्रमा कन्या राशि और मेष नवमांश में रहेंगे। मंगल देव दोस्तों जो है वो मंगल कुंभ राशि में रहेंगे, 18 डिग्री 40 कला पर जो है रहेंगे कुंभ राशि में और मीन नवमांश में रहेंगे। बुध दोस्तों मिथुन राशि में रहेंगे, 10 डिग्री 6 कला पर रहेंगे और बुध जो है वो दोस्तों मकर नवमांश में रहेंगे। गुरु दोस्तों वो मकर राशि में हैं, 2 डिग्री 46 कला पर हैं, मकर राशि मकर नवमांश में रहेंगे। शुक्र दोस्तों वृषभ राशि में हैं, वृषभ राशि में 21 डिग्री 15 कला पर हैं और शुक्र दोस्तों जो है वृषभ राशि और कर्क नवमांश में रहेंगे। शनि दोस्तों मकर राशि में 7 डिग्री 32 कला पर रहेंगे और ये मकर राशि में और मकर नवमांश में जो है वो रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे दोस्तों राहु दोस्तों जो है वो मिथुन राशि में जो है राहु हैं और नवमांश कुंडली में वो वृश्चिक नवमांश में रहेंगे। राहु दोस्तों 6 डिग्री 8 कला पर हैं और वो वृश्चिक नवमांश में हैं, नवमांश कुंडली में लग्न कुंडली में राहु देव उच्च के हैं, नवमांश कुंडली में राहु जो है वो नीच के हैं, ठीक है दोस्तों। केतु देखेंगे, केतु दोस्तों धनु राशि में 6 डिग्री 8 कला पर हैं और नवमांश कुंडली में देखेंगे तो वृषभ नवमांश में जो है वो नीच के हैं, ठीक है दोस्तों। हर्षल देखेंगे दोस्तों 14 डिग्री 36 कला पर हैं, हर्षल दोस्तों 14 डिग्री 36 कला पर हैं और हम नवमांश कुंडली में जो है हर्षल देखेंगे तो वो जो है सिंह नवमांश में है, ठीक है। नेपच्यून दोस्तों हम देखेंगे तो नेपच्यून का जो योग बन रहा है दोस्तों वो कुंभ राशि में 26 डिग्री 44 कला पर हैं और नेपच्यून दोस्तों नवमांश कुंडली में मिथुन नवमांश में हैं। प्लूटो देखेंगे दोस्तों, प्लूटो 0 डिग्री 28 जो है कला पर हैं और प्लूटो जो है मकर राशि में हैं और प्लूटो दोस्तों मकर नवमांश में हैं, ठीक है दोस्तों। इस समय दोस्तों जो है जुपिटर जो है वो रेट्रो चल रहे हैं और वीनस जो है रेट्रो प्लस कम्बस्ट हैं, अस्त के हैं। शनि जो है रेट्रो हैं और राहु केतु हर समय रेट्रो रहते ही हैं और प्लूटो जो है वो रेट्रो हैं, ठीक है दोस्तों। लग्न जो है दोस्तों उस समय जो है 1 जून को दोस्तों लग्न जो है वो वृषभ लग्न है और वृषभ जो है वो नवमांश है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों प्लानिटरी पोजीशन है, प्लानिटरी पोजीशन की जो योग बन रहा है दोस्तों वो निफ्टी में दोस्तों वो बुलिश ट्रेंड है, ठीक है दोस्तों। निफ्टी में जून के महीने में तेजी का ट्रेंड जो है वो बन रहा है,
क्योंकि दोस्तों निफ्टी का जो कारक ग्रह है सूर्य, दोस्तों सूर्य जो है 16 डिग्री 57 कला पर है, 16 डिग्री 57 कला, यानी रिजल्ट जो है वो 17 डिग्री का जो है सूर्यदेव दे रहे हैं। यानी जून के महीने में दोस्तों निफ्टी में जो है वो तेज़ी बने रहने की पूरी उम्मीद है। बैंक निफ्टी देखेंगे दोस्तों तो बैंक निफ्टी में गुरु जो है, बैंक निफ्टी का कारक ग्रह है गुरु के साथ सूर्य जो है गवर्नमेंट का बैंक, गुरु के साथ बुध जो है प्राइवेट बैंक। तो गुरु दोस्तों 2 डिग्री 46 कला पर हैं, गुरु जो 3 डिग्री का रिजल्ट जून के महीने में दे रहे हैं, मकर राशि में रहेंगे, रेट्रो रहेंगे, तो बैंक निफ्टी में भी जो है वो तेजी का योग जो है वो बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों जून के महीने में निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो है वो तेजी बनी रहेगी, निफ्टी में अच्छी तेजी रहेगी, बैंक निफ्टी में भी ओवरऑल जो है वो तेजी का योग बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारा जो रूल है दोस्तों वो आप समझ लीजिए कि मेरा रूल दोस्तों कि आपको ऑब्जर्व करना रहेगा कि 1 जून का जो मंडे की ओपनिंग रहेगी, 1 जून का मंडे की ओपनिंग आप निफ्टी को जो है लिख के रखेंगे, बैंक निफ्टी को लिख कर रखेंगे मंडे की जो भी ओपनिंग बनेगी। उसके बाद दोस्तों जो है जब वो नीचे जाए मंडे की ओपनिंग से, ऐसा तो है नहीं कि पूरा महीना जो है वो तेज़ी में रहेगा, यहाँ से 2-500 पॉइंट नीचे भी जाएगा, 2-500 पॉइंट ऊपर भी जो है मार्केट जाएगा, तो आपको दोस्तों जो है ट्रेंड जो है आपको जो है वो बाई में रखना है। लेकिन जब निफ्टी का ट्रेंड मंडे के रेट से जो है नीचे जब जाने लगे, कभी भी जो है मंडे के ओपनिंग से निफ्टी 100 पॉइंट 200 पॉइंट 300 पॉइंट 400 पॉइंट जो भी दोस्तों नीचे जाए, जिस दिन जो है मार्केट का ट्रेंड नीचे रहे, तो आप जो है निफ्टी को डाउन में यदि आप खरीदेंगे, ये 200 पॉइंट 300 पॉइंट भी आपने यदि खरीद नीचे में खरीदा, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको जो है जो 1 जून का मंडे की ओपनिंग रहेगी उससे उसको जाना ही जाना है। और जब वो जाए, ऐसा नहीं कि आपको पूरा महीना देखना है, जब वो आपको जो है 200-400 पॉइंट का निफ्टी का तेज़ी का ट्रेंड मिल जाए या बैंक निफ्टी का 500-1000 पॉइंट का तेज़ी का ट्रेंड मिल जाए, तो आपको जो है उसके बाद निकल जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों जो है हमारा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, ओवरऑल का जो है पूरे जून महीने का जो है ट्रेंड है दोस्तों। इसमें जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं ये उनके लिए जो है बहुत ही अच्छी न्यूज़ है उनके लिए, जो लोग इंट्राडे करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वो देख कर जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो है जो भी उनको रेट है, रेट उनको पकड़ना है मंडे की ओपनिंग से ही पकड़ना है उनको। वो यदि वो मंडे की ओपनिंग के रेट को हमेशा ध्यान में रखेंगे तो जब भी नीचे जाए जो है वहाँ से वो बाई करेंगे, और उसके बाद जो है रेट के ऊपर जब भी जाए जो है वहाँ से थोड़ा भी ऊपर जब जाए तो आप वहाँ पर निकल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों हमारा कल या परसों में वीकली ट्रेंड का वीडियो जो है वो आ जाएगा कि वीकली ट्रेंड जो है आने वाले सप्ताह में क्या है। ये हमारा दोस्तों मंथली ट्रेंड था, बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि मंथली ट्रेंड का वीडियो एक बनाइए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा र्यूमर है कि जून में जो है मार्केट जो है क्रैश हो जाएगा जो है, तो ऐसा दोस्तों क्रैश का जो है मुझे अभी कोई योग जो है क्रैश का नहीं दिख रहा है। हाँ वो तो बाजार है ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है, क्रैश का मतलब ये है दोस्तों कि कम से कम 2000-3000 पॉइंट जो है मार्केट को डाउन जाना, उसको क्रैश बोला जाता है जहाँ तक मेरा अंदाज है। तो ऐसा मुझे दोस्तों क्रैश का कोई योग जो है अभी जून में जो है वो नहीं दिख रहा है, अभी मैंने जुलाई अगस्त ये सब का नहीं देखा, ये पर्टिकुलर मेरा रिसर्च जो है ये जून के महीने का था जो है। तो जून में दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी में ओवरऑल जो है ये तेज़ी का योग है। ठीक है दोस्तों, अब ये डिस्क्लेमर है दोस्तों कि हमारा ये जो चैनल है दोस्तों ये रिसर्च बेस्ड चैनल है, और मैं रिसर्च करके आप सबके सामने जो है अपना व्यू रखता हूँ, यदि आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आपके नफ़े और नुकसान से मेरा और मेरे चैनल का कोई भी लेना देना नहीं है। आपको प्रॉफिट होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने जो है फाइनेंशियल जो है एडवाइज़र से सलाह करके ही आप ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल का बटन जो है वो ज़रूर दबाइए दोस्तों।
हम आप सबके सामने जो है ऐसे नए नए वीडियो जो है मार्केट से रिलेटेड जो है हम लाते रहेंगे। आपको हम टिप ऑफ द वीक भी देते रहेंगे, टिप ऑफ द डे भी देते रहेंगे, कौन सा शेयर चलने वाला है वो भी हम देते रहेंगे। यदि आप लोग कोई भी पोजिशनल हैं तो उसमें हम आपको जो है वो भी देंगे। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम।